टुडे वी डिस्कस द सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ. इनकम टैक्स लॉ और द रूल्स रिलेटिंग टू इनकम टैक्स वेयर कम्स इनकम टैक्स पर जो जो रूल सब है पिला से रूल सब आसला कौन किए रूल फ्रेम करे तार हाइस्ट अथॉरिटी किए आम क्या कथ शुणु के एक पास होता है से सब जिन आज पढ़ा. सो सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ फर्स्ट हो इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो इनकम टैक्स एक्ट हमर केबे हिला 1961 हिला. अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961 वी आर पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट. इनकम टैक्स एक्ट 1961 रे हिला द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज टू फॉर्मुलेट ए स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स फॉर टैक्सेशन. The SSC need to pay the fair amount of tax. The tax should not be avoided by the SSC and the tax should not pay more by the SSC. So that the act is framed in India in 1961. This act was came into force with effect from this act was came into force with effect from 1-4-1962. The income tax in India are governed by the Income Tax Act 1961 and this act was came into force with effect from 1-4-1962. ताने इनकम टैक्स एक्ट ला 1961 रे हेतिला आउ सेटा एप्लीकेबल केबो हेतिला ना 1-4-1962 टू एप्लीकेबल हेतिला. देन दिस एक्ट कंटेन्स 298 सेक्शंस एंड 14 जो हमें एक्स आई भी हो जाए 14 लेकिन आप एक्स आई भी सैल्यूज. सो इनकम टैक्स एक्ट वाज एनएक्टेड इन 1961 एंड व्हिच इज केम इनटू फोर्स एंड एप्लीकेबल फ्रॉम 1-4-1962 एंड दिस एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 कंटेन्स 298 सेक्शंस एंड एक्स आई भी सैल्यूज माने 14 सैल्यूज. दिस is a revenue law so it needs amendment from year to year. That means what? This is a revenue law so it needs amendment from year to year. That means in 1961 when this act was framed, the value of money is different from time to time. 1961 re 1 rupee ro value rupees 1 ro value jaha thila 2020 re kon rupees 1 ro value taha achi mila nai. तो वैल्यू ऑफ मनी इज चेंज फ्रॉम योर टू वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजिंग फ्रॉम योर टू जेतो 1961 रे गोटे लोक मास को 100 डॉलर दरमा पाइले सी पूरा खुश रे पहुंच गुला. दैट मींस मंथली एक्सपेंसेस लेस देन 100 से वर्ष को इनटू कर 1200 सैलरी पाइले तार पूरा बिंदास. किंतु आज रे डेट रे जणे 50000 जदी सैलरी पाउची ताहाले इनटू 6 लाख कम से कम इनकम नहले से मते चले पाइबो नाही. So that this is the difference between the value of money. So there is requirement of some amendment, changes from time to time according to the value of money, according to the increase in income, according to the increase in expenditure. The act need to be amended. The act need to be updated from time to time. And this amendment are made in the annual budget of financial budget of India. फिनान्स मिनिस्टर आमर ईच ईयर रे गोटे फिनान्सियल बजेट बसे से बजेट बेसिस रे बसिले आमर एक टू अमेंडमेंट हुए. देन द लॉ प्रोवाइड्स डिटरमिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम. इट्स
क्षेत्र में कौन जानते हैं, दिस लॉ प्रोवाइड्स डिटरमिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी एंड प्रोसीजर ऑफ एसेसमेंट ऑफ टैक्स। दैट मींस इनकम टैक्स एक्ट 1961 आपको कौन-कौन गाइड करती ना, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, डिटरमिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड द प्रोसीजर ऑफ एसेसमेंट ऑफ टैक्स। दिस लॉ प्रोवाइड्स डिटरमिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, दैट मींस पर्टिकुलर पर्सन हाउ मच इज द टोटल इनकम, ऑल इनकम आर नॉट टैक्सेबल। गोटे लोक जहां इनकम करते तार सब इनकम रे टैक्स देबो पड़िबो नाही, किसी इनकम पर टैक्स पड़ो आउ किसी इनकम पर टैक्स पड़े आगे आम से सब डिटेल पढ़ा। तो डिटरमिनेशन टैक्सेबल इनकम आम टोटल इनकम रो इनकम पर टैक्स पड़ो आउ कौ इनकम पर टैक्स पड़ो, टैक्स लायबिलिटी आम के टाइम टैक्स गवर्नमेंट को देवार अच्छी, प्रोसीजर फॉर एसेसमेंट ऑफ टैक्स आम कौ मेथड टैक्स लगे कैलकुलेशन कर, दिस ऑल थिंग्स शुड बी क्लियरली एक्सप्लेन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961। So, this is the main act, the Income Tax Act 1961 is the main sources of income tax law. Then next, Finance Act, जुड़ा हुआ हमें कौन से Annual Amendment. Finance Act means every year the financial minister prepare a finance budget. Every year the financial minister prepares finance budget. Every year the financial minister prepare a finance budget. Part A of the budget contains proposed policy of the government in fiscal year. That means budget में दी का part है. Part A of the budget contains proposed policy in fiscal year. How the expenditure should be made. Part B contains detailed tax proposals. So dear one, ame jetra income tax act pole income tax act pe point hila ki this is a revenue law, so it needs amendment from year to year. And this amendment should be made in the annual amendment of Finance Act. Finance Act is nothing but the finance bill or the financial budget or the financial bill which is prepared by the financial minister of the country each year. And that financial budget contains two parts. Part A contains the proposed policy in the fiscal year. How the amount should be used in different area. Part B contains the different tax proposals. How the tax should be collected, what is the tax rate, that should be disclosed in the Part B. Then, once the financial bill, or budget will pass in both the houses. Of Parliament, and get the assent of President, it becomes
finance act. How finance act can be prepared? What is the financial bill? That means every year the financial minister will prepare a finance bill. Financial bill contains two part. Part A contains the details about the fiscal area and the amount to be invested in the fiscal area. Part B contains the detailed tax proposals. So that finance bill need to be passed in both the houses of parliament. Parliament of both the houses man kuda kuda re. Parliament re dita house hoche. Dita house mane kuda hoche Lok Sabha kuda hoche Rajya Sabha. Vidhan Sabha sethre jaoni. So Lok Sabha and Rajya Sabha. When the finance bill is passed in Lok Sabha as well as Rajya Sabha, after passing the bill, that should be signed by the President of India. And get the assessment of President means President sign kar lega fir finance bill. That means जेतेबेला आमर फिनान्स बिल्टा आम फिनान्स बिल सब मार्च में हुए तुम जानते हो फिनान्स बजेट बसला समस्त शुद्ध बजेट कौन कौन होगा टैक्स रेट चेंज होती है रेट चेंज होती है इनकम टैक्स चेंज होती है यहाँ एमती है से भर अधिक टैक्स पड़ा तार टैक्स कमला से सब जगह तुम मार्च मस प्राय एक्सपेन्न कर शुणी थे तो मार्च मसने कौन हुए प्रति वर्ष मार्च मसने आम फिनान्स मिनिस्टर अफ इंडिया जी भी आम फिनान्स मिनिस्टर थे सी गोटे फिनान्स बिल तैयारी करेंगे फिनान्स बिल रे कौन हो दुटा पार्ट थाए पार्ट ए डिटेल रिगार्डिंग द फिस्कल एरिया और फिस्कल पार्ट रे कोन कंटेंस प्रपोजल पॉलिसी का फिस्कल एरिया रे केमिति कोन इन्वेस्टमेंट हो केमिति कोन पैसा पड़ी यूटिलाइज हो एंड पार्ट बी कंटेंस द डिटेल टैक्स प्रपोजल्स पार्ट बी रे डिटेल टैक्स केते टैक्स कलेक्शन कराबो को रेट रे कलेक्शन कराबो कोडा एग्जम्पशन दिया जइबो कोडा डिडक्शन दिया जइबो ऑल द रूल्स विल बी इन द पार्ट बी ऑफ द फाइनेंस बिल देन दैट बिल नीड टू बी पास इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बिल पास हला माने कोन बिल पास हला माने जेतिकि मेंबर थिबे लोकसभा और राज्यसभा रे तारो मोर देन 50% मेंबर सर्टिफाई करिया रहछ मोर देन 50% मेंबर सर्टिफाई करले ही से बिलटा कोन हो पास हला ओ जानिबा माने कर फाइनेंस मैनेजर गोटे फाइनेंस मिनिस्टर गोटे बिल तैयारी करले जो बिल रे कि जो रूल लिखा है छि तारो 50% लोग राजी हेले से बिल को पार्लियामेंट रे जेति भी लोग थिले तारो 50% को जदि राजी हेबे ताले सेटा पास हेले नाही बिल पास हला मींस व्हाट जेतिकि भी लोक थे तार मोर देन 50% लोक जी राज्य हेल्ले ठीक अच्छे जहाँ आप पॉलिसी बोले आम राजी ताकि पास हेल्ला जानक लाइक द बिल टू बी पास इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा मोर देन 50% मेंबर से सर्टिफाई करार अच्छे कला बिल पास हेल्ला जानक आफ्टर पासिंग द बिल इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट दैट विल सेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्रिटिकल एग्जामाइन द बिल After examining the bill, when the President of India thinks that bill is correct, then the President of India will sign the bill. After signing the bill, we can say that the assent of the President is given for the bill. After getting the assent of the President, the bill becomes finance act. Jetolo bill na Lok Sabha Rajya Sabha re pass hai gulam. तापर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ी के साइन कर सारे से फाइनेंस एक्ट हो गला आ सबूक रूल आम एप्लीकेबल हो गला जोड़ा क्या कहते हैं एमेंडमेंट सो आम इनकम टैक्स लॉ कोड आसा फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 इनकम टैक्स 1961 एप्लीकेबल होता है 1962 तार हिसाब से एंड आमे इनकम टैक्स एक्ट 1961 रे कोन कोन सो मेन लेग रे छिना डिटरमिनेशन टैक्सेबल इनकम आमर टैक्सेबल इनकम किमि आसीबो टैक्स लायबिलिटी आमे किमि कैलकुलेशन करे ओडे द प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन टैक्स दिस ऑल शुड बी कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द इनकम टैक्स एक्ट नीड अमेंडमेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर दैट अमेंडमेंट विल कम इन द फाइनेंस एक्ट फाइनेंस एक्ट इज नथिंग बट ए फाइनेंस एनुअल बजट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर व्हेन द एनुअल बजट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर गेट द एसेंट When the annual budget of the finance minister passed both the houses of the parliament and get the assent of the president, then it becomes finance act. So, I mean, rule book on the income tax act, which rule is that, how which rule is that for finance act? That after the thing number, I mean, dekhi ba, income tax rule, 1962, income tax rule, 1962. इनकम टैक्स रूल गुड अच्छे इनकम टैक्स एक्ट अलग इनकम टैक्स रूल अलग इनकम टैक्स रूल कौन कौन अच्छे इनकम टैक्स रूल कौन कह द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस
is vested upon CBDT, Central Board of Direct Taxes. Central Board of Direct Taxes. There is a board which is called as Central Board of Direct Taxes, and the administration of the direct tax is vested upon the CBDT. Direct taxes कितने collection है ना? Direct taxes कितने use होगा? कितने collection होगा? ठीक से collection नहीं करेंगे. That should be everything should be depend on the CBDT. CBDT is a body like हमारे जिन्हें SEBI उन्हें body होती है, जिसे हमारा share market को control करती है, जिन्हें हमारा IRB होती है, इसने भी control करती है. ठीक से direct tax को collect करने का उन्हें body होती है CBDT, Central Board of Direct Taxes, and the administration of direct taxes is vested upon the CBDT. टोटल नंबर कितने कौन टैक्स कलेक्शन ला किमि देना कौन होबो आ होबो के ने की बेच के एवरीथिंग शुड बी एडमिनिस्ट्रेट बाय द सीबीडीटी देन तापर हम देखबा इनकम टैक्स रूल 1962 कौन होला इनकम टैक्स रूल 1962 सीबीडीटी को पूरा पावर दे ला कि सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को देबो जे कि पूरा एडमिनिस्ट्रेट करबो तापर Under Section 295 of Income Tax Act, CBDT is empowered to frame rules from time to time. Under Section 295 of IT Act, meaning Income Tax Act, CBDT is empowered to frame rule from time to time. That means Income Tax Act 1961 में कितना मिला है? 1961 पर है आपको आपको जो changes दरकार होते हैं, सही changes करी बाप माई एकदम में Finance Act में Finance Minister change करी पारी है बाप आओ किसी changes CBDT करी पारी बाप सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस करी पारी बाप अंडर द सेक्शन 295 द IT Act माने Income Tax Act CBDT is empowered to frame rules from time to time जदि CBDT फिल कला कि आम कि नुआ रूल्स आप्लिकेबल करियार अच्छे टैक्स पाई ताहले सीए नुआ रूल आप्लिकेबल करि पारिबो नुआ रूल फ्रेम करि पारिबो जे आप्लिकेबल करि पारिबो और ए खबर ता कोई मिला ताकु ना इनकम टैक्स एक्ट ऑफ सेक्शन 95 टू 95 रे हमको पावर दिया वाला CBDT दिस सर्कुलर आर गाइडेंस फॉर द ऑफिसर्स एंड असेसी दिस सर्कुलर Our guidance for the officer and associate. That means the circular or the notice which are issued by the CBDT that should guide the assessing and assessing officer. Assessing officer माने आम ऊपर जे टैक्स पकाए से हो assessing officer. SSC माने जे टैक्स पेमेंट करे से हो SSC. So CBDT जो रोल डा फ्रेम करला से रोल डा कौन करबो गाइड करबो का गाइड करबो एसएससी को आउ एसएससी ऑफिस अधि जन को गाइड करबो सो एबे हम कहले सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ हमे देखले इनकम टैक्स एक्ट 1961 रो जे रूल आसला फिनेंस एक्ट रो के एनुअल अमेंडमेंट को जे फिनेंस एक्ट रो जे रूल आछे आउ इनकम टैक्स रूल 1962 को कौन होछे ना सीबीडीटी को फुल पावर दे देला तो सीबीडीटी जहां भी सर्कुलर फ्रेम करला सीबीडीटी जहां भी सर्कुलर फ्रेम करला समुदाय काम Then fourth, circular or notification. By CBDT, circular or notification by CBDT. That means. Whenever the CBDT given any circular or notification that should be also applicable to the SSC and assessing officer. So now we had discussed four things which can be given the income tax rules. Number one, Income Tax Act 1961, sources of income tax law. माने आमे जो income tax law तो जो कोई legal concept, आमे जो rule हिसाब से tax तो बा रूल बाहर कंपटेटिव टैक्स लॉ पड़े से सब रूल गुडा आसले कोड हमें कार कार रूल फ्रेम करबा इनकम टैक्स लॉ को को आसी ता हमारे पास से इनकम टैक्स एक्ट 1961 फाइनेंस एक्ट और एनुअल अमेंडमेंट इनकम टैक्स रूल 1962 सर्कुलर और नोटिफिकेशन बाय सीबीडीटी ये देखना जो आउट में जो सब रही होगा
सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ, नंबर 1 इनकम टैक्स एक्ट 1961, नंबर 2 फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस एक्ट जुड़ा काम में पहुंचे एनुअल अमेंडमेंट, नंबर 3 इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स रूल 1962, नंबर 4 सर्कुलर और नोटिफिकेशन बाय सीबीडीटी, नंबर 5 सुप्रीम, नंबर 5 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिसीजंस। That means there are mainly 5 sources of income tax law. There are mainly 5 sources of income tax law. Number 1 Income Tax Act, which was passed or framed in 1961 and applicable from the 1-4-1962. Then Finance Act or Annual Amendment, which is given annual amendment to the Income Tax Act. Then Income Tax Rule 1962. Then Circular or Notification by CBDT, Central Board of Direct Taxes. Then Supreme Court or High Court decisions. What do you mean by Supreme Court or High Court decisions? For example, sometimes there is a case or there is a case between the SSC and the assessing officer. Bad bad kaun ho ji? Mr. X ko SSC dila. Mr. X ko SSC. SSC mane ki local level. Je tax dabo. Aao Mr. Y assessing officer. Assessing officer, assessing officer के income tax officer, government officer, Mr. X को चुकी more tax होता था 105 lakh, 105 lakh, Mr. X को चुकी 105 lakh tax होता था, किंतु Mr. Y को चुकी नहीं, तो 135 lakh tax होता था, 135 lakh tax होता था, that means Mr. X को चुकी चलोगा, Mr. Y assessing officer को चुकी चलोगा तो एवे कौन हो मिस्टर एक्स कोर्ट रे केस करबो कि ना मोर इनकम टैक्स रूल इज आवर मोर इनकम इज आवर टोटल टैक्स मोर 105 लाख आसु माने 145 लाख इनकम टैक्स रूल इज आवर एति के होबा कथा कि तो एसएससी ऑफिसर मते 135 मांगु छी तो इन एसएससी ऑफिसर के आउट कोर्ट फॉलो करतो इमिति किछ रूल हेय जेबो कि गोटे रूल एसएससी ऑफिसर बात जे एटा ठीक होबो एसएससी ऑफिसर आउट रूल ठीक होबो दिदन देखो अलग अलग मत होला तो एसएससी ऑफिसर करे 135 का टैक्स है एसएससी करे 105 का टैक्स हो तापर कोन मिस्टर एक्स केस करला हाई कोर्ट रे के सुप्रीम कोर्ट रे केस करला कोन केस करला कि मोर टैक्स 105 लाख होबा कथा एसएससी ऑफिसर 105 लाख मांगु छी तापर कोन हो धीरे धीरे जजमेंट हो गोटे दिन तीनटा डेट पर फाइनल जजमेंट हो जो माने करो हाई कोर्ट डिसीजन ले कि नहीं एसएससी ऑफिसर जा को जे ठीक 135 लाख टैक्स दबो को पड़ेगो 135 लाख टैक्स पर दबो को पड़ेगो दैट मींस ए दा जो को रिजर्वमेंट करबो ना देखो जो रूल पाई जे कोन से मोर पर्टिकुलर दिन सब परे माने 25 लाख डिफरेंस काय कसला 25 लाख डिफरेंस देखो जो दिन सब परे एसएससी ऑफ जो टैक्स पड़िया को नाही एसएससी ऑफ जो टैक्स पड़िया को था ता माने माने कर हाई कोर्ट जजमेंट दे राखी एसएससी ऑफिसर इज करेक्ट 25 लाख पर टैक्स पड़िया माने 25 लाख पर टैक्स एक्स्ट्रा पड़िया को था ता माने से जजमेंट इन फ्यूचर रे रूल हे जीवो इन फ्यूचर रे रूल हे जीवो आ मन रखो एथिले जो हाई कोर्ट डिसीजन रखो हाई कोर्ट डिसीजन हाई कोर्ट डिसीजन इज एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर स्टेट एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर स्टेट माने जो स्टेट ओडिसा हाई कोर्ट जदी जजमेंट देती ओडिसा एप्लीकेबल आंध्र हाई कोर्ट जजमेंट देले आंध्र एप्लीकेबल जो स्टेट रो हाई कोर्ट ऑर्डर देला से स्टेट रे एप्लीकेबल आ अलग स्टेट रे एप्लीकेबल नाही किंतु सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आर एप्लीकेबल टू होल इंडिया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऊपर आ कोन से कोर्ट नाही इंडिया रे सुप्रीम कोर्ट जहां कोई देला से रूल पूरा ऑल इंडिया को लागू
सुप्रीम कोर्ट कहले गोटे पर्टिकुलर जिस टैक्स पड़ो मैंने अल इंडिया समस्त जगह टैक्स देते जदि सुप्रीम कोर्ट कहले गोटे पर्टिकुलर जिस टैक्स पड़ोनि अल इंडिया किए भी तो टैक्स देवे कि हाइकोर्ट डिसीजन दौर हाइकोर्ट प्रत्येक स्टेट में गोटे गोटे थाए पाने ओडिशा गोटे हाइकोर्ट जो कटक अच्छे ठीक है प्रत्येक स्टेट में गोटे गोटे हाइकोर्ट थाए हाइकोर्ट हूँ स्टेट रेड सुप्रीम कोर्ट हूँ कंट्री रेड ताने जो स्टेट हाइकोर्ट डिसीजन देती से स्टेट पर आप्लिकेबल हम से रूल अलग स्टेट पर ना कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देती पूरा आप्लिकेबल हो पूरा ऑल इंडिया को सो दिस फाइव आर द इंपोर्टेंट सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ अकॉर्डिंग टू दिस फाइव सोर्सेस ऑल द रूल्स आर फ्रेम्ड एंड द टैक्स आर इम्पोज कलेक्टेड एंड प्रोसीजर्स ऑफ टैक्सेस टैक्स कलेक्शंस आर मेड अकॉर्डिंग टू दिस फाइव सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ क्लियर These are the very five important sources of income tax law. These they can frame rules from time to time. They can amend the rules from time to time, and they are the responsible for charging and collecting the tax for the government from the public. Okay. So, आज हमने पढ़ने कौन पिला होने? Sources of income tax law. Next class में very important प्रथम दिन पूरा basic थिला. फास्ट देखले आम इनकम टैक्स कौन टैक्स कौट आस फास्ट क्लास देखले के प्रकार टैक्स अच्छी कौ टैक्स कमी पड़े किए टैक्स दौर सेकेंड क्लास देखले आम रूल गुड़ा गोटे रूल से रूल सब आसा कौन इनकम टैक्स रूल है ना कत रूल मान टैक्स दौचे से सब रूल आसा कौन से सब रूल आसा फास्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 रूल आसा फिनान्स एक्ट जो एनुअल एमेंडमेंट इच ईयर एमेंडमेंट हो फिनान्स बिल जो पेपर होमर फिनान्स मिनिस्टर से रूल दिया इनकम टैक्स रूल 1962 हिसाब से रूल आसा सर्कुलर नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीए के रूल फ्रेम कले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिसीजन गुड़ा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जहां भी हमको डिसीजन देती टैक्स पाई बोल के सब भी हमर रूल है जो फ्यूचर में जो दिन हमको डिसीजन मिलला से दिन को आगु सेमिटिकर केस जो किछ आए ताले से डिसीजन हमर रूल है जो तो दीस आर द फाइव इंपोर्टेंट सोर्सेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड डिपेंडिंग अपॉन दीस फाइव सोर्सेस The tax are collected, levied, charged, and administered. Hello, thank you very much for watching. Next class, some important tax, calculation of tax from different person. Okay, thank you very much.